इनके साथ और हम जानेंगे भैया इनकी क्या खुशी है क्या है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं खेसारी लाल यादव जी को। और चलिए इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको पैसे को प्रणाम और जो बाद में देखेंगे उनको भी प्रणाम। मैम आपका भी बहुत बहुत सर, जैसे कि अगर संघर्ष टू की बात किया जाए, भर भर के प्यार मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस अगर हम कोई काम करते हैं और उसको दुनिया अप्रिशिएट करती है, काम करने की जो ऊर्जा होती है ना, वो और बढ़ जाती है और आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो उनका प्यार हमारे लिए एक जिम्मेदारी का स्वरूप हो गया है और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आने वाले, हाँ, जो मैंने पहले किया है और कुछ सिनेमा में करके रखा भी हूँ, लेकिन अब जो कर रहा हूँ संघर्ष के बाद, अब जो कर रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि अब इससे और ऊपर क्या करना है, जिसमें हमारे भाषा का गरिमा बरकरार रहे, हमारे भाषा को पूरे वर्ल्ड लेवल पे दुनिया जानती है, बट हम बेहतर नहीं कर पाते हैं इसलिए दुनिया अप्रिशिएट नहीं करती। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह साउथ को आज हर जगह वो अहमियत मिल रही है, हर जगह वो पहचान मिल रही है, तो वो कलाकार बेहतर किए हैं तभी मिल रही है, उन कलाकारों के साथ साथ उनके भाषा को भी दुनिया अहमियत दे रही है इसलिए, ताकि उन्होंने बेहतर किया है। तो हमारा भी कुछ प्रयास ऐसा ही है, जिसने रत्नाकर दिया को मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, वो एक ईश्वर की तरह है और हर प्रोड्यूसर हमारे लिए ईश्वर की तरह ही होता है, क्योंकि हमें रोजी रोटी देता है और पराग पाटिल की एक सोच है और हम सब मिलकर एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने हैं। अब वो कितना बेहतर हो सकती है अभी जनता का प्यार ही बताएगा, क्योंकि हम कुछ भी करते हैं तो हमारे लिए, हम अपने लिए तो करते नहीं, वो जनता के लिए करते हैं और जनता अगर उसको भर भर के प्यार देती है तो शायद इससे भी बेहतर सिनेमा बनाने का काम। देखिए, अपनी तारीफ करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन अगर अदर कंट्री के लोग अगर आपकी चीज़ों को सराहना और अप्रिशिएट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप कुछ बेहतर रास्ते पे जा रहे हैं। अभी हमने किया नहीं, हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर इंडिया के बाहर के लोग अगर प्यार कर रहे हैं तो हम अपनों से भी यही आशा करते हैं कि हमारे अपने भी अगर हम बेहतर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा चाबासी दें तो शायद हम और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर सब लोग मिलकर टांग खींचेंगे कि नहीं ये कमियाँ, देखिए कमियाँ कहाँ नहीं है, तनी तो राम को भी नहीं छोड़ा था, तो हम तो इंसान हैं, तो हर जगह कमियाँ तो है, तो गलत कहने वाले तो वेद पुराण को भी गलत कर जाते हैं, वो तो गांधी को भी गलत बना देंगे। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ों पे विचारधारा ना रख के हमें अगर कोई बेहतर करता है तो उसके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि वो बेहतर और करने की कोशिश करे, जिससे वो ना बल्कि अपना भाषा बड़ा हो, अपना समाज बड़ा हो, अपनी कल्चर बड़ी हो, अपनी संस्कार बड़ी हो। क्या बात है, क्या लगा? देखिए, मैं जब इस इंडस्ट्री में आई थी तब मैंने टाइप्स ऑफ फिल्म्स देखी थी, तो मुझे ऐसा लगता था, फिर बाहर भी ट्राई किया पर बाहर में लोग बहुत बोलते थे ना कि भोजपुरी से हो ये मत करना, क्योंकि आपको हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे कि आप न्यू कमर हो, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि भोजपुरी से हो कह करके एक शर्मिंदगी महसूस कराई जाती थी। फिर बीइंग अ आर्टिस्ट, मुझे ऑब्वियसली बात है बहुत, मतलब पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख करके भी सब छोड़ करके हम यह कह रहे हैं बिकॉज पैशन है एक्टिंग करना, बहुत पसंद है। भोजपुरी लगा कि बढ़े पर कुछ नहीं हो रहा था, चार साल में तो कुछ नहीं देखा, बट फिर सर की जो फिल्म आ रही है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू रत्नाकर सर, पराग सर, बोल्ड हीरो संघर्ष टू, देख के सच में बड़ा प्राउड फील हुआ, बड़ा प्राउड फील कि फाइनली कोई तो है जो फिल्में अपना घर चलाने के लिए नहीं कर रहा है कि भाई टाइम टू टाइम हमारा पेमेंट आता रहे, हमारा ये हो जाए, हमारे लिए अभी तक इतना पैसा नहीं आया, ये नहीं, फिल्म क्या बन रही है, उसमें कौन स्टार कास्ट है, क्या कहानी है, क्या नहीं, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है सर के अंदर कि ये बैठते हैं सर, लिखली डायरेक्टर प्रोड्यूसर डीओपी सर के साथ बैठते कहानी पर कि कहानी में और क्या होना चाहिए, तो कहानी कैसे और ज़बरदस्त और अच्छी होनी चाहिए, तो वो चीज़ें थोड़ी मेहनत तो अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत अच्छा लगा, तो वो लगा कि आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ अब हम भी बाहर जाकर के कोई हमें भी ऐसे रिकॉग्नाइज, कोई ये नहीं कहेगा भोजपुरी जाओ, हम कहेंगे हम भोजपुरी से प्राउडली बोलेंगे। और मुझे लगता है कि सारे आर्टिस्ट जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के हैं, छोटे बड़े कलाकार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, फिल्में कोई छोटी बड़ी नहीं होती, मेरा ये मानना है, बाकी का क्या पता नहीं, आपस की जो भी रंजिशें हैं, जो भी दुश्मनी या जो भी है गलतफहमियां, वो सब साइड में रख के, पर्सनल मैटर साइड में रख के, अगर
हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करें तो एवरी आर्टिस्ट शुड सपोर्ट संघर्ष टू, सपोर्ट करना चाहिए. जब भी इन लोग प्रीव्यू रखवाएं, जब भी इसका मतलब फिल्म आए, सारे आर्टिस्ट को जाकर के देखना चाहिए. कुछ नहीं तो कम से कम एक अंदर से डेडिकेशन आएगा, एक अंदर से वो मोटिवेशन मिलेगा करे कि हम अच्छा करें, हमें भी करना चाहिए. अगर सारे हीरो बैठ करके संघर्ष टू ही देख ले तो मुझे लगता है सब अच्छा. क्या बात है, क्या बात है. हम तो संघर्ष टू की तो बात हो रही है, फिलहाल हमें गॉडफादर के सेट पर गॉडफादर के बारे में सोचते हैं. देखिए गॉडफादर के बारे में क्या बताऊं, गॉडफादर का मतलब एक ऐसा होता है कि किसी का हेल्प करना. हमारा अगर कोई छोटा सा भी हेल्प कर देता है तो हमारे लिए भगवान हो जाता है और हम उसे गॉड मानने लगते हैं. तो भगवान किसी ने देखा नहीं, जो हमारी मदद कर देता है, जो हमारे जरूरतों पर खड़ा हो जाते हैं, हमारे लिए भगवान हो जाता है. तो बस एक ज़रूरत की बातें हैं ये गॉड फादर, कि किसी की ज़रूरत में कैसे हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए ताकि हर वो आदमी गॉड फादर बन सकता है. आप जितना मजबूरी में जो हैं उनके लिए मदद कर सको, अगर आपके पास वो क्षमता है तो कोशिश करो कि किसी का भला हो जाए. और वही ये गॉड फादर कोशिश कर रहे हैं बेहतर करने की. देखिए आज 30 साल की एज में भी, ये 24 साल की एज में भी आज बुढ़िया नजर आ रही है. इतना बड़ा रिस्क इन्होंने भी उठाया और हमने भी उठाया. असली बालें के और मेरे तो असली हैं. तो कहीं ना कहीं देखिए इस असली उम्र में नहीं बोली है, वरना लोग बोले बुढ़ा गए हैं, कलर करा गए हैं. 7 घंटे की मेहनत है. सात घंटे की मेहनत, अब सोचिए इतने सवालों में 7 घंटा लगा तो हम करवाने जाते तो फिर पूरा दिन लग जाता. तो वो सारी चीजें देखिए, करेक्टर आपका है, जो जिस हिसाब का करेक्टर है, अगर आप उस टाइप की चीजों नहीं रखो, अपने आप को नहीं बनाओगे तो फिर आपको क्यों दुनिया देखेगा. जब हम मिट्टी हैं और हम मिट्टी में बैठ कर मिट्टी की बातें, अगर मिट्टी की बातें ना हो, मिट्टी पे बैठ के अगर हम आसमान की बातें करें तो यही बुरा है. तो हमारे लिए कहीं ना कहीं एक एज ग्रुप दिखाना इसमें था. और इसमें मेरा एक रोल नहीं, 3 रोल है. तो लोगों को अब तीनों को तीनों डिफरेंट नजर आएगा. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो एक ही आदमी, लगेगा कि तीनों तीन है. क्या बात. तो इसलिए मैंने कोशिश की है और ये पूरा श्रेणी जाता है, मुझे लगता है कि पराग पाटिल जी को, क्योंकि उन्होंने डिजाइन की है. और देखिए एक गार्जियन अगर चाहे तो अपनी बेटे को जिस रूप में चाहता है उस रूप में ढाल देता है. हमें घर में पहले बताना ही होता है ना कि बाप बेटा, ये पापा है, ये चाचा है, ये मम्मी है, ये दादी है, ये दादा है. और हमारा बेटा रख लेता है. उसी तरह हमारा डायरेक्टर हमारा गार्जियन होता है, जिस हिसाब से हमें ढालने की कोशिश करता है. जो बेहतर सोच लेकर आता है उसके साथ हम बेहतर कर जाते हैं. जिनको अपने घर चलाने के लिए काम करना होता है उसके लिए मैं भी सोचता हूँ क्या करूँ. तो लेकिन अब मैं भी बहुत सारी फिल्मों को छोड़ भी रहा हूँ क्योंकि अब मन नहीं करता है. क्योंकि जितने दिन काम खुद को बड़ा करना था मैंने कर लिया. अब मुझे लगता है कि नहीं, हमें अपने भाषा को बड़ा करना चाहिए, जिस भाषा ने हमें आज इस लायक बनाया. तो जब इस लायक बना दिया, अगर इसके बावजूद भी हम अपने भाषा के लिए नहीं सोचे तो शायद मरने के बाद लोग यही कहेंगे कि खेसारी उस लेवल पर था, फिर भी पूरी भाषा के लिए उसने कुछ नहीं किया, खुद को ही बड़ा किया. तो ये कोशिश है और मैं हमेशा लोगों के लिए काम करता हूँ और सिर्फ मुझे काम आता है और काम के अलावा कुछ आता नहीं. तो कोशिश यही है कि सिर्फ काम ही किया जाए, बाकी चीज़ें तो होती रहती हैं. क्या बात है सर. तो मैम गॉडफादर की बात हो रही है, आपके मुंह से बहुत बार सुना है खेसारी जी के बारे में कि गॉडफादर गॉडफादर के साथ काम कर रही है, कैसा लग रहा है. और इनके साथ काम किया तभी तो ये गॉडफादर बने ना. कैसा लग रहा है अभी. गॉडफादर का मतलब होता है पिता, मतलब साया. और गॉडफादर मतलब होता है कि जो अपना नहीं है, भगवान है. और वो मतलब हमें हर साल हर हाल में हमारा साया बना है. सर के लिए मैं इसलिए बोलती हूँ गॉडफादर, अभी बहुत लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं पर सर के लिए मैं इसलिए गॉडफादर ये शब्द इस्तेमाल करती हूँ. ये बहुत बड़ा मतलब है इसका. वो इसलिए है कि मैंने बहुत मेहनत की. मैंने लिटरली अप्रिसिएशन के लिए मैं रोई हूँ. मैं बहुत वैसा हुआ कि यार कोई रिसीव भी नहीं कर रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कोई देख ही नहीं रहा, किसी को मतलब ही नहीं है. तो मैंने भी अपने काम में फिर चीज़ें उतना मतलब कहते हैं ना कि पैशन है, मेरे पैशन को कभी किसी ने समझा ही नहीं. यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, हम पैशन के लिए आए थे, वो काम ही नहीं हो रहा था. तो हम भी काम कर रहे थे लेकिन फिर सर से मिले तो सर में वो जज्बा देखा. मैं हीरो सारे और एक दो को छोड़ करके सबके साथ ही काम किया मैंने. पर मैंने सब में, अब बाकियों को बुरा नहीं लगना चाहिए, प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना, पर ये आपको सीखना चाहिए सर से कि देखिए किसी से सीखना, किसी से कुछ सीखना ये बुरी बात नहीं. मैं भी सीखती हूँ सर से बहुत सारी, रोज़ चीज़ें सीखती हूँ. और मुझे लगता है सुबह में सीखती हूँ, शाम में भूल जाती हूँ और गुस्सा भी होती हूँ कि मैं कुछ सीख नहीं पा रही, बट सीखती हूँ.
सीखना चाहिए सब हीरोज को, अब जैसे हम हीरोइनों से सीखेंगे या जो भी है, तो आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि काम के प्रति ईमानदार बहुत होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारी रोजी रोटी है, सभी बोल रहे हैं जैसे, तो हमें अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए हमने क्या किया? हमने तो बड़ा कर रही है इंडस्ट्री, हमने अपनी इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए क्या किया? कल को कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब आपके पास रहे, वैसा कुछ काम करना चाहिए यार। तो इसलिए सर वो चीज़ें करते हैं और सर ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने जो किसी ने नहीं देखा मेरी मेहनत, और वो ये चीज़ें बोलते वक्त मैं थोड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, तो मुझे मैं नहीं देखा किसी ने, तो वो चीज़ अप्रिशिएट की सर ने, इसके लिए मैं गॉड फादर कहती हूँ। और मुझे आज इतनी बड़ी फिल्म गॉड फादर जो हम कर रहे हैं वो अ स्टेप अहेड दैन संघर्ष टू है। ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान को अपने पिछले काम से ज़्यादा अच्छा काम करना चाहिए, और बहुत अच्छी फिल्म है ये। मैं ऐसे एक नॉर्मल सी चीज़ कहूँ तो ज़िंदगी है बस जो